हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है स्पिन मॉप। स्पिन मॉप में जो स्पिनर है वो टाइट हो गया है। देखिए, क्योंकि तीन चार दिन इसे यूज़ नहीं किया, बाहर चले गए थे कहीं, तो ये टाइट हो गया है। अब हमें इसमें ऑयलिंग करना है और ताकि ये स्मूथ रनिंग कर पाए। तो यहाँ ये देखिए एक साउंड आ रही है। तो इसे बाहर निकाल दिया है। यहाँ टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 लॉक लगे हुए थे। अब हमें ये जो हमारे स्पिनर है इसको उठाएंगे आराम से। तो ये देखिए जो स्पिनर है, यहाँ पर एक लोहे की ये रोड है और इसमें देखिए काफी सारा ये कार्बन आ चुका है। किसी किसी में ये स्क्रू होते हैं और किसी में नहीं होते हैं। ये बाहर नहीं आ रहा है, खैर इसे रहने देते हैं। कपड़ा लेकर के अंदर से इसको साफ कर लीजिए, ज्यादा इसमें नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम जो है वो इस रोड के अंदर है। आप ये सारा कार्बन उतार दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखें, इसमें यहाँ लॉक नहीं लगा हुआ था। किसी किसी में लॉक लगा होता है तो ये खींचने से बाहर नहीं आता है। उस कंडीशन में आपको ये दोनों जो स्क्रू खोलने के बाद इसे पूरा निकालना पड़ता है। तो इसे निकालना काफी मुश्किल रह रहा है, लगता है चिपका रखा है इसको। अब लुब्रिकेशन के लिए यहाँ आप ग्रीस का यूज करें। अगर ग्रीस आपके पास नहीं है तो मोबिल ऑयल का यूज़ करें। मोबिल ऑयल भी नहीं है तो सीविंग मशीन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, सबसे बेहतर ग्रीस रहेगा। मॉप रेडी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।